बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुआज़िज़ ख़वातीनों हज़रात, मैं हूँ हाफिज फ़ियाज़ उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर व आफियत के साए में रखे। अगर आप महबूब को हर कीमत पर पाना चाहती हैं तो आज ही 179 मर्तबा ये वजीफा पर लें। इंशाअल्लाह एक दिन में ये वजीफा अपना असर दिखाएगा और वो शख्स आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, आपके कब्जे में होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत के बे इंतहा वजाइफ अमलियात में आपके साथ शेयर करता हूँ। तमाम के तमाम वजाइफ, तमाम के तमाम अमलियात अपने अंदर बे इंतहा ताकत रखते हैं। हर अमल का, हर वजीफे का अगर तरीका अलग अलग होता है तो उनकी तासीर, उनकी ताकत भी अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर या वदूदू के बे इंतहा बेशुमार वजाइफ हैं जो के आलिम हजरात ने, उलमाए इकराम में, सूफे इकराम ने, बुजुर्गाने दीन ने अपने अपने तरीकों के मुताबिक हमें बताए हैं। लफ्ज या वदूदू का हर वजीफा अपने अंदर बेशुमार ताकतें रखता है। हर इंसान का बताया हुआ तरीका अलग हो सकता है लेकिन उसकी ताकत, उसकी तासीर एक ही है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह सुभान व तआला का एक सिफाती नाम है। बिल्कुल इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद की चंद आयतें मुबारक हैं, बल्कि चंद नहीं कहूंगा बेशुमार कहूंगा, जिनसे इंसान के बेशुमार मसाइल हल होते हैं। चूंकि जो इंसान किसी से मोहब्बत कर बैठता है और वो मोहब्बत को पाने की जिद लगा लेता है तो उसकी नजर में उससे बड़ा मसला कोई भी नहीं होता। हर वो इंसान जो किसी भी मुश्किल में मुब्तला है, उस मुश्किल से बड़ी उसके लिए और कोई मुश्किल नहीं हो सकती। इसीलिए महबूब को पाना अगर आपकी जिद बन गया है, महबूब के बगैर आपसे जिया नहीं जा रहा, आपने अपना खाना पीना छोड़ दिया है, रातों की नींदें उड़ गई हैं, तो आप परेशान मत हों और मेरे प्यारे अल्लाह पर यकीन रखते हुए ये प्यारा सा वजीफा 179 मरतबा 179 टाइम पर लें, फिर आप इसका कमाल अपनी आंखों से देखें। वो इंसान जो आपकी एक नहीं सुनता, जो आपके काबू में नहीं आता, इंशाल्लाह वो आपके कदमों में धर्म करके गिर जाएगा और ऐसा गिरेगा कि आपके बगैर उसका एक पल भी गुजारा नहीं होगा। अगर कोई शख्स सात समंदर पार बैठा हुआ है तो ये उसके भी दिलो दिमाग पर असर करता है। वो इंसान जरूर रब्ता करता है, मोहब्बत भरी बातें करता है, आपके बारे में अच्छा सोचता है। तो वक्त जाया किए बगैर आइए बढ़ते हैं वजीफे की तरफ। वजीफा बड़ा आसान है, आपने ये वजीफा अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए फिर पढ़ना है। अगर आपने और मुझ पे यकीन रख के पढ़ा तो आपको जरा भी फायदा नहीं होगा। ये कुरानी कलमात हैं, आपने अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए ही पढ़ना है। कोई भी अमल वजीफा आपके साथ शेयर करें उसे बताए हुए पर नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन रखे हुए पढ़ा करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होता है। ये वजीफा रात के वक्त बावजू होकर पढ़ना है। इशा की नमाज अदा करने के बाद जब आप सोने लगे तब पढ़ लें। जरूरी नहीं कि इशा की नमाज अभी आपने अदा कर ली है तो उसके बाद फौरी पढ़ लेना है। आप इशा की नमाज अदा करें और जब रात को सोने लगें, चाहे 1 बजे सो रहे हैं या 12 बजे सो रहे हैं या 3 बजे सो रहे हैं, तब भी आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं, वक्त की कोई कैद नहीं। आपने बावजू हो जाना है, अपने कपड़ों पर खुशबू या इत्र लगा लेना है, फिर आपने अपने महबूब का तसव्वुर कर लेना है और 100 दाने वाली तस्बीह अपने दोनों हाथ में पकड़ लेनी है और आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। फिर 179 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर आगे होंगे, आप समाअत फरमा लें ताकि आपका तलफ्फुज़ भी बेहतर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आपने इनका मतलब तलाश करने नहीं लग जाना, ये अल्लाह ताला के पाक कलाम के अल्फाज हैं
जो ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम है, इसमें इस्म आजम है अल हय्युल कय्यूम, और बाकी अल्लाह ताला का पाक कलाम भी है। आपने इसको 179 मरतबा पढ़कर, फिर आखिर पर भी 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़कर महबूब पर तसव्वुर में 3 मरतबा फूक मार देनी है, दम कर देना है, और फिर दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से मांगना है। सबसे पहले आप अपने गुनाहों की माफी मांगिएगा, फिर उस शख्स को मांगिएगा, मेरा अल्लाह उसे आपके नसीब में आपकी तकदीर में लिख देगा। मेरे दोस्तों, जो नसीब में नहीं होता अल्लाह ताला दुआओं से वो भी अता फरमा देता है, तो दुआ जरूर करनी है, और उसके बाद आपने इस वजीफे को कम अज कम 3 दिन जरूर करना है। ये वजीफा पहले ही दिन अपना असर दिखा देगा, लेकिन अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो 3 दिन इसे जरूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह इसका असर, इसका रिजल्ट मरते दम तक आप देखते रहेंगे। शोहर अपनी बीवी के लिए जरूर पढ़े और बीवी अपने शोहर के लिए जरूर पढ़े। किसी से किसी किस्म का खास मकसद पूरा करना चाहते हैं जो नाजायज है, उसके लिए हरगिज नहीं पढ़ सकते, इजाजत नहीं दे रहा, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस वजीफे को पढ़ें, आपको इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। फायदा हो तो अल्लाह ताला का शुक्र जरूर अदा कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह अगली नई वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बंदा ही ना चीज को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।